नमस्कार दोस्तों, हरी मैकेनिकल में आपका स्वागत है। ये जो आप देख रहे हैं अंडर बॉडी लेंस है, इसको कैसे बनाएंगे आपको जो है विधि पूर्वक आपको बताया जाएगा। अभी थोड़ा समय है इसको जो है, ये आप जो गैस जो यूज करते हैं घर में, गैस चूल्हा का ही नोजल है ये बड़ा वाला, उसी में जो है एक सामने जो है कट मरवाना पड़ेगा और थ्रेड के साथ होना चाहिए। और नहीं समझ में आएगा तो मेरे व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे, मैं समझा दूंगा। कट मारने से क्या होगा कि पानी जो है स्लाइड होकर निकलेगा, नहीं तो कट नहीं मारिएगा तो पानी पॉइंटेड में निकलेगा। अपने घर पे बनाएंगे, 500 रुपया काफ़ी है आपको बनाने के लिए। ये 10 रुपया पीस आता है इसका नोजल, और ऐसा क्विक कनेक्ट अमेजोन से मंगा लेना है। और जो है ऐसा तो आप देख ही लिए हैं उनका वीडियो, फिर से उनका वीडियो अभी दिखाने जा रहा हूँ जो कि बहुत काम की बात है। आप उनका वीडियो एक भी स्किप ना करें, और जो भी मेरा चैनल पे जो है नए हैं वो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी मेरा जो पुराना वीडियो जो डिलीट हुआ था वो रिकवरी हो रहा है, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। अगर असली फार्मूला जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर करके रखें, कभी ना कभी वो आपको मिल जाएगा। और जिस दिन वो वीडियो मिल जाएगा वो आप टचलेस का फुल जो है फार्मूला आप जान पाएंगे, वही वीडियो में पूरी जानकारी दी गई है। मैं अभी भी जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, लाइक करें, जो लाइक ज़्यादा करेगा, अभी जो है लगभग जो है 42-43 लोगों को फार्मूला अभी तक वो वीडियो देख चुके हैं, क्योंकि अभी मेरे पास वो वीडियो है नहीं, और जो है रिकवरी हो चुका है, लेकिन वो हमारे पास हमें नहीं दिखेगा, लेकिन आप लोग को ज़रूर दिखेगा। वो एक एक एसटीपी पंप का सब का है, क्योंकि 2018 की वीडियो है, इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखें और लाइक करते रहें, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सब जो है हर जगह आप ही को, और एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ यूट्यूब पर जो है 990 सब्सक्राइबर का, कैसे पूरा करें आप 990 तक का अनलीगल तरीका से सब्सक्राइबर कर सकते हैं। अभी आप देखे होंगे कि मेरा सब्सक्राइबर ज़्यादा तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, वो अनलीगल तरीका था। 990 तक अनलीगल तरीका से बढ़ा सकते हैं, उसका जो वीडियो मैं डालूँगा तो दूसरे ID बना करके डालूँगा, नहीं तो अनलीगल माना जाएगा। अनलीगल माना जाएगा तो 100% वो भी डिलीट कर दिया जाएगा यूट्यूब के थ्रू, लेकिन जो है मैं उसका लिंक डाल दूंगा, जब डालूंगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा। उसको भी सब्सक्राइब करके देखिएगा क्या होता है, उसका भी मैं देखना चाहता हूं कि अनलीगल वीडियो डालने से क्या होता है। ये पाइप को कैसे आपको मजबूत बनाना है उसके बारे में देखिए, कैसे लपेटा जाता है उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। और नहीं तो पूछ सकते हैं, ये जो है वायर का, फालतू वायर का जो है लपेटा हुआ है, वायर से, पाइप से, वायर से, कुछ से भी आप लपेट सकते हैं। और उनका वीडियो देखना ना भूलेंगे, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है, उनका भी बहुत ज्ञान का है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 7 से 10 में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब उनका वीडियो देखें, देखिए क्या क्या वो समझा रहे हैं, समझ लें, और वीडियो की स्किप कीजिएगा। पिछले बार भी कुछ दिन पहले एक एपिसोड बनाया था जिसमें हरी भाई के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोग को अंडर चेसिस क्लीनिंग के बारे में समझाया था। कुछ एक और तजुर्बे हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और मेरे पास इतनी वक्त नहीं रहती कि मैं हर बार वीडियो अपना भेज सकूँ। आज थोड़ी सी फुर्सत है, आज सैटरडे है और आज थोड़ी सी फुर्सत है करके मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी बने क्योंकि मैं एपिसोड बार बार अलग अलग मैं नहीं बना सकता, इसलिए एक ही बार में मेरे को अपने जीवन के निचोड़ बतानी रहती है, उस कंडीशन में बता रहा हूँ। आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये फोम कैनन, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊँ, इसकी जो प्लास्टिक है ये काफ़ी हार्ड मेटल रहता है, किसी कारण से ऐसे गिर जाने पर, टूट जाने पर, अगर गिर गया या टूट गया तो वापस जुड़ता नहीं, फेविक्विक से भी नहीं जुड़ता। उस कंडीशन में जिसमें आप ये जो देख रहे हैं, आप ये नल वाली जो पाइप रहती है रबड़ वाली 1 इंच की, उसको गर्म करके पानी में उबाल करके फैला करके इसमें लगा देंगे तो किसी कारण से गिरता भी है तो टूटेगा नहीं, इसलिए ये लगाना आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा एवरी टाइम। अब सेकंड, अक्सर क्या होता है, अक्सर ये होता है कि जो फोम है यानी कि हमारा जो शैम्पू वो पानी से ज़्यादा भारी होता है,
पानी से ज़्यादा भारी होने की वजह से उस कंडीशन में हमेशा जब हमने एक लीटर बनाया, एक लीटर बनाने के बाद शुरू के 500-600-700 ml पानी हमारा यूज होता है, और इसका 600-700 ml के बाद 300 ml या 400 ml जो बचता है पानी, वो उसमें केवल पानी पानी निकलता है, झाग नहीं निकलता, यानी फोम नहीं निकलता। उस कंडीशन में हमको ये करना चाहिए कि इसके अंदर बच्चों के जो खेलने की जो कंची होती है, उस कंची को 10-15 ठो डाल देनी चाहिए, और उस कंची को हमेशा डालने के बाद इसमें 10-15 तो इसमें डाल देनी चाहिए हमेशा के लिए, और जब भी डालने के बाद जब भी हमको यूज़ करना है तो पहले हमको इसको ऐसे हिलाना रहता है, जो इस तरह से हिलाने से क्या है, शैम्पू और पानी दोनों आपस में मिक्स होगा, ये इस तरह से हर बार हिलाना है, उससे क्या है शैम्पू और पानी आपस में मिक्स हो जाएगा, और कंची चूँकि कांच की है इसलिए कोई लॉस तो है नहीं, ना ही उसको टूटना है ना फूटना है। अब रही बात ये समझने के लिए कि भैया शैम्पू कैसे भारी हुआ पानी में मिक्स नहीं होता, तो कुछ द्रव ऐसे होते हैं जो कभी पानी में मिक्स हो ही नहीं सकते, जैसे कि शैम्पू हो गया वो पानी से भारी होता है। पहचान के लिए आपको यही करना रहता है, जैसे एक गिलास आप पानी रखेंगे उसमें मान लो आप किसी एक कप सिरप को डालते जो हमारे सर्दी खांसी में काम आता है, आप डालेंगे तो नीचे चला जाएगा, वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होता। यदि आपने चम्मच भी हिला करके मिक्स कर भी दिया और 2 दिन छोड़ देंगे तो नीचे बैठा हुआ मिलेगा, पानी ऊपर उठा हुआ मिलेगा। उसका सिद्धांत यह है कि पानी केवल ऐसी चीज़ है जो 1 लीटर = 1 किलो, बाकी हर चीज़ में अंतर आएगा। जैसे कि कोई तेल हम पानी में डालते हैं तो ऊपर तैरने लगता है, अक्सर सरसों तेल की पैकेट में लिखा रहता है 1 लीटर = 910 ग्राम, और वो पानी से हल्का होने की वजह से 1 लीटर = 910 ग्राम रहता है, वो ऊपर तैरने लगता है। और शैम्पू या ऐसा तरल पदार्थ जो पानी में नीचे बैठ गया, यानी कि वो पानी से ज़्यादा वजनी है, इसलिए उसको जब भी यूज़ करना रहता है उसमें हिलाना पड़ता है। सिरप में भी यही लिखा रहता है, विल बी बिफोर यू शेक। अब मैं आपको कुछ एक और बातें बताना चाहता हूँ, ये तो हो गया, ये हो चुका है, अब इसके बाद कुछ और बातें बताना चाहता हूँ। हो सकता है ये थोड़ा लंबा हो लेकिन मैं बार बार नहीं बना सकता, इसलिए मैं एक ही बार में फाइनल बताना चाहता हूँ। ये तो हो गया ना, कंची वाली सिस्टम आपने देख लिया, अब दूसरी बातें देखिए। हम लोग जब भी गाड़ी वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं तो हमारी मेन मिस्टेक रहती है कि हम लोग हैंड ग्लोव्स नहीं पहनते हैं, जब फोम वॉशिंग होता है उसको क्लीन करना पड़ता है, बाद में फोम करने के बाद जो हमको कपड़े से क्लीन करना पड़ता है उसको हमको हैंड ग्लोव्स अनिवार्य रूप से पहनना चाहिए। ये कोई कॉस्टली नहीं आता, इसमें 60 रुपया 70 रुपया 100 रुपया ऐसे ऐसे अलग अलग रेट से आ जाते हैं, क्योंकि दिन भर हमको अगर शैम्पू बार बार हाथ में लगे तो हमको लॉस है, इसलिए बेहतर है कि हर बार आप हैंड ग्लोव पहन करके और ब्रश से ऐसे रगड़े तो ज़्यादा फायदा है। अब हैंड ग्लोव की बातें तो बता दिया, अब मैं एक और बात बता रहा हूँ जो पैसे की बचत के साथ साथ हमारे लिए फ़ायदे का है। अक्सर ऐसी जो हम लोग ब्रश कंपनी की खरीदते हैं उसमें इसमें लंबे लंबे छोटे छोटे माइक्रो फाइबर जैसा रहता है, जो कि बाद में वो धागा मिलता नहीं है, वो कपड़ा हमको महंगा पड़ता है। वहाँ पर मैंने क्या किया है, इधर बच्चों की जो लेगीज रहती है, जो वेलवेट कपड़े का रहता है, यानी उसको हिंदी में मखमल भी बोलते हैं, उस कपड़े को ऐसे लंबा 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 ऐसे काट दिया जाता है। काट देने के बाद इसको ऐसे रोल बना करके ऐसे बना लिए, और इसमें पूरी तरह से ऐसे इस तरह की हैंडल तो मिल ही जाती है नॉर्मल, और इस तरह से रोल बना करके ऐसा बांध दिया जाता है। इससे फ़ायदा ये रहता है कि बच्चों का जो लेगीज कपड़े का वेलवेट का कपड़ा से भी बन जाएगा, या फिर आप वेलवेट के कपड़े ऐसे पतले खरीद सकते हैं, वेलवेट के कपड़े ऐसे पतले खरीद सकते हैं जिनकी ऐसे लंबी लंबी रोल कटिंग करके ऐसा लगाने के बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ये हर बार अपन चेंज कर सकते हैं, काफ़ी सस्ता पड़ता है ये। हाँ, एक चीज़ है कि ये ऐसा मोटा कपड़ा यूज़ मत करना, क्योंकि इसमें फोम नहीं बनता है, जो झाग है वो ख़राब हो जाता है बार बार, इसलिए आप इसको यूज़ मत करना हमेशा इस टाइप से। और इस तरह से मैंने बांध दिया है पूरा, ये एक्चुअल जो हैंडल है इसमें इस टाइप की हैंडल तो ऑलरेडी मिल ही जाती है, और इस तरह से कपड़े बांध देने के बाद जब हम फोम करते हैं, फोम करने के बाद जो हमको रगड़ना पड़ता है, तो स्वाभाविक हर बार रगड़ते समय ये हैंड ग्लोव ज़रूर पहनिए, उससे क्या बार बार हमारे हाथ में शैम्पू नहीं लगेगा और हमको लॉस नहीं होगी, नहीं तो स्किन के कारण बहुत सारे लॉस होने शुरू हो जाते बार बार शैम्पू लगने की वजह से। अब तीसरी एक और बात बताना चाहता हूँ मैं,
ये जो देख रहे हैं आप, ये गैस सिलेंडर अपना जो गैस चूल्हे का जेट है, जिससे कि गैस रिलीज हो करके यहाँ इसमें बर्नल में जा करके वो लगता है, आग लगता है। इससे मैंने एक चीज़ बनाया है, जिनका जीरो का जेट ख़राब हो गया, ये जो जॉब है मैं इसको लेथ से बनाया था, और ठीक इसके पीछे में जो थ्रेड है, ये थ्रेड से मैंने इसमें एक ओरिंग जैसा लगा करके, चूँकि इस टाइप की ओरिंग लगा करके मैंने इसको यहाँ से टाइट किया। इसकी मैं प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। ये जेट मुश्किल से अगर 5 पीस लेते हैं तो 3 रुपये के हिसाब से मिलता है, और अगर सिंगल लेते हैं तो 5 रुपये के हिसाब से। लेकिन ध्यान रहना है आपको कि इसमें छोटे छेद का नहीं लेना है, नहीं तो आप लगाने के बाद उसमें मेन ट्रेजेडी ये होगी कि गन जब हम ऐसे दबाएंगे तो बंद चालू होता रहेगा। इसलिए इसमें बड़े छेद का लेना है, जो गैस चूल्हे वालों के यहाँ आसानी से मिल जाता है। मैं तो खैर इसमें अलग अलग नंबरों का लेकर के रिसर्च किया था, इसमें जो अभी नंबर लगा हुआ है वो मेरे को ठीक से नहीं दिख रहा है। ये कुछ नंबर हैं ऐसे नंबरों का, आप गैस वाले से बोल भी सकते हैं कि भैया थोड़ा बड़े छेद वाली मेरे को दे दो आप करके, तो फिर वो दे देगा आपको। इसको लगाने के बाद ये जो सॉकेट है, क्विक कनेक्ट सॉकेट, ये मैं लेथ से बनाया था 60 रुपये का। अब उस कंडीशन में मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल दिखला रहा हूँ लगा करके, कि काम करता है नहीं करता है, वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये रहा, ये मैंने लगाया, लेना है जो गैस चूल्हे वालों के यहाँ आसानी से मिल जाता है। मैं तो खैर इसमें अलग अलग नंबरों का लेकर के रिसर्च किया था, इसमें जो अभी नंबर लगा हुआ है वो मेरे को ठीक से नहीं दिख रहे हैं। ये कुछ नंबर हैं ऐसे नंबरों का, आप गैस वाले से बोल भी सकते हैं कि भैया थोड़ा बड़े छेद वाली मेरे को दे दो आप करके, तो फिर वो दे देगा आपको। इसको लगाने के बाद ये जो सॉकेट है, क्विक कनेक्ट सॉकेट, ये मैं लेथ से बनाया था 60 रुपये का। अब उस कंडीशन में मैं इसका आपको एक प्रैक्टिकल दिखला रहा हूँ लगा करके, कि काम करता है नहीं करता है, वो मैं आपको दिखला रहा हूँ। ये रहा, ये मैंने लगाया, ये लगाने के बाद मैं इसका प्रैक्टिकल दिखला रहा हूँ। और इधर इधर ये जेट आप बना सकते हैं घर में, बहुत आसान है। मात्र ये 3 या 5 रुपए का इसका ये जेट आएगा, और ये क्विक कनेक्ट सॉकेट, ये जीरो के लिए भी बना सकते हैं, बहुत अच्छा है। और चाहें तो इसके होल को किसी तरीके से बड़ा करके इसको अपनी जरूरत के अनुसार मोटा भी बना सकते हैं, बहुत ही आसान बन जाता है। अब मैं तीसरी एक और बात बता रहा हूँ, कि यदि किसी को घर में टुल्लू पंप या 2 मंजिल के ऊपर की पानी से अगर उसको ये करना है, क्या बोलते हैं, गाड़ी साफ़ करना है, तो उसके लिए कोलगेट पेस्ट का 5 रुपये वाला पाउच काफ़ी है। इसको अपने को ऐसा 1/2 इंच के पाइप में लगाना है, ऐसे लगाने के बाद इसको अपना रबड़ बैंड से इसको टाइट कर देना है। इसके बाद ईजिली इसको अपन फायरिंग कर सकते हैं, पीछे में अपना वो पाइप फंसा करके टाइट कर सकते हैं। और इसके बाद अगर हमको लगता है कि इसकी होल छोटी है तो कुछ नहीं करना है, ये कैंची लेकर के इसमें ऐसे डाल करके ऐसे ऐसे घुमा करके होल को बड़ा कर देना है अपने ज़रूरत के अनुसार। ये होल को बड़ा कर देना अपने ज़रूरत के अनुसार घुमा करके, और ये घरेलू यूज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है। और ये पेस्ट तो ऐसे ही फ्री में भी गिरा हुआ भी मिल जाता है, खैर कोई बात नहीं, घर में अपन 5 रुपये की यूज़ भी कर लेंगे, और आम के आम गुठली के दाम। ये हो गया। अब शैम्पू के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। अक्सर लोग बोलते हैं कि मेरे यहाँ शैम्पू ज़्यादा झाग नहीं देता, और फलाने के यहाँ यही शैम्पू ज़्यादा झाग देता है। उसका मेन रीज़न है पानी की TDS। यदि पानी की TDS की लेवल ज़्यादा रहेगी तो उस कंडीशन में वो शैम्पू का झाग कम बनेगा। जैसे कि यदि हम किसी नदी के या डैम के पानी से नहाते हैं, जैसे निगम की पानी आती है नदी या डैम से, तो उसमें नहाते हैं तो वही साबुन को जब हम लगाते हैं तो ज़्यादा झाग देता है। तो वहीं पर हम हैंडपम्प या बोर के पानी से नहाते हैं तो वो पानी का झाग बहुत कम देता है। और उस कंडीशन में हमको ये देखना रहता है कि पानी का झाग देने का कारण यही रहता है कि उसकी TDS लेवल ज़्यादा है। तो TDS चेक करने के लिए ऐसा TDS टेस्टर आता है,
जो अमेजोन में 250-300 से लेकर के कीमतें 1000 तक भी आती हैं, उस कंडीशन में आप चाहें तो ऐसा छोटा सा TDS टेस्टर भी ले सकते हैं, जिससे कि पानी की TDS लेवल चेक की जा सके। अब कुछ बातें और मुझे बताना है, मैं आपको दिखला रहा हूँ ये बाकी गाड़ी के लिए, कार वगैरह के लिए हमको रैंप की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन बाइक के लिए हमको कंपलसरी रैंप की ज़रूरत पड़ती है। और रैंप हमको इसलिए ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको उसका प्रैक्टिकल दिखला रहा हूँ, आप देखिएगा। ये मेरा रैंप एक बनाया हूँ मैं छोटा सा, कुछ नहीं है, ये इस तरह से पत्थर रखा, मैं पत्थर रखने के बाद इसके ऊपर रखा, ये एक ढलाऊ बनाया। रैंप की जो हाइट है मैं आपको बतला दे रहा हूँ वो कितनी होनी चाहिए, मेन जमीन से 4 इंच होनी चाहिए रैंप की हाइट। इसका भी रीज़न अभी दिखलाऊंगा मैं गाड़ी रख करके, तब आप समझेंगे। 4 इंच होनी चाहिए, इससे ज़्यादा रहेगा ना तो गाड़ी जब आगे की तरफ झुकेगी तो स्टैंड से गिर जाएगी, इसलिए आप इसको 4 इंच रखिएगा, ठीक है। अब इसका मैं कंडीशन दिखला दे रहा हूँ, ऐसी कंडीशन में क्या गाड़ी हाइट हो गई। अब अगर पीछे चक्का हमको धोने का है तो आराम से धो सकते हैं, फिर हमने इसको रैंप के कारण ऐसे उठा, ऐसे आगे का चक्का भी हम आराम से धो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम जब चाहे तब ऊपर नीचे कर सकते हैं और हमको गाड़ी धोने में काफ़ी सहूलियत होगा। अब अभी की 2-3 गाड़ियाँ बड़ी वो आ रही है, जैसे कि एक्टिवा का और जुपिटर का 6G गाड़ी, जिसके सारे वजन आगे की तरफ रहते हैं, जब ये ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो पाता, उसके लिए सबसे बढ़िया जुगाड़ ये है, ये ऐसा है 24 किलो के आसपास का एक बोल्डर रखना है आपको, इस टाइप की बोल्डर एक 24 किलो के आसपास की रखनी। इस बोल्डर को उठा करके जुपिटर या TVS वगैरह का जो गाड़ी है, और TVS और एक्टिवा जो 6G में है, जिसकी सारी वजन बाहर की आगे की तरफ रहती है, उसको यहाँ पे सीट पे रखना है। 24 किलो 25 किलो के आसपास का आप रख सकते हैं, जिस समय ये अपन ऐसे आगे और पीछे किया जा सकता है, ठीक है। एक और आइडिया मैं दिखला रहा हूँ मैं आपको बुलेट के लिए खासकर, क्योंकि बुलेट में क्या है ना, आगे की तरफ वजन ज़्यादा रहती है, और वैसा इस टाइप की रैंप होने की वजह से बुलेट हमेशा पीछे की तरफ चला जाता है, सॉरी आगे की तरफ चला जाता है। उस कंडीशन में आपको एक बांस का ऐसा डंडा बनाना है, खास कर ध्यान दीजिए बांस की लकड़ी का, क्योंकि बांस का जो स्वभाव है वो लचीला रहता है, और लकड़ी अगर लकड़ी का बनाते हैं तो कभी भी टूट जाएगा, और बांस टूटते टूटते भी अपनी तनाव लचीला स्वभाव के कारण टूटते टूटते भी हम गाड़ी को पकड़ लेंगे। इसकी जो लेंथ होनी चाहिए 16.5 इंच के आसपास की लेंथ होनी चाहिए, और जब हम बुलेट ढो रहे हों तो हमको ये बुलेट के सामने में यहाँ पर लगाना रहता है, बुलेट के सामने में हमको इस जगह पे इस तरह से लगाना रहता है। ये तो खैर प्लेटिना है करके इसमें ऐसा हो रहा है, लेकिन बुलेट में सही रहेगा। और बाकी गाड़ियों में आप मत लगाना, उसका रीज़न ये बनता है कि गाड़ी ऐसे से लहराती है, लेकिन बुलेट क्योंकि वजनी गाड़ी इसलिए नहीं लहराती, और उस कंडीशन में जब बुलेट वैसा रहता है तो ये टोटल ऐसे बराबर में आ जाता है, गाड़ी दोनों साइड का चक्का उठा हुआ रहता है। बस यही सब कुछ बातें और समझानी थी, और एक और खास बात, हम लोग जब भी गाड़ी धोते हैं तो हमारी एक मिस्टेक रहती है, वो ये कि मिट्टी, हम लोग गॉगल नहीं पहनते हैं, हम लोग को गॉगल ज़रूर पहननी चाहिए ताकि मिट्टी हमारे आंखों में ना जाए, और ना ही ये शैम्पू के झाग हमारी आंखों में जाए। उस कंडीशन पे एक ये सेफ्टी गॉगल मात्र 35-40 में मिल जाते, ये ज़रूर पहनना चाहिए, क्योंकि इस गॉगल को पहनने में एक ट्रेजेडी ये है कि जब हम ऐसे पहनते हैं तो थोड़ी देर बाद इसमें पूरे भाप जमा हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें इस गॉगल में 2 साइड छेद किया ताकि उसमें भाप न जमा हो सके, एक यहाँ साइड में छेद किया, एक ऊपर में छेद किया, सेम सिस्टम इन दोनों साइड भी छेद किया है। स्क्रू ड्राइवर या किसी भी चीज़ से आप छेद कर सकते हैं, बहुत आसान है। हमेशा ये गॉगल को पहन के ही आप वॉशिंग करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है,
नहीं तो बार बार जो आंखों में धूल जाती है उस कारण बड़ा तकलीफ होता है, और क्योंकि आंख तो हमारी उस गाड़ी के धोने से ज़्यादा कीमती तो है नहीं, इसलिए उसको हमें बचाना ज़रूरी है। और अब तो ज़्यादा ध्यान नहीं है कि और कुछ बताना है, अगर कोई जानकारी और बनती है तो मैं अगले एपिसोड में ज़रूर बताऊँगा। आपने चैनल देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ और बताने जा रहा हूँ, वो ये कि अगर चैनल में मुझे अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी तो मैं बेटियों के ऊपर एक चैनल बना रहा हूँ, एक और बना रहा हूँ, जिसको आप लोग देखेंगे तो शायद अच्छा लगेगा। क्योंकि स्वाभाविक तो व्यापार तो सबका अपना अपना होता ही है, लेकिन बेटी और घर परिवार तो सबका होता ही है। इस कंडीशन में मैं बेटियों के ऊपर एक और चैनल बनाऊंगा, जो आपको हमारे हरी भाई के यूट्यूब के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। अगर वो आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। और ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, हो सकता है आपको मेरी बातें लेक्चर लगे या ज्ञान मिले। जो भी हो, चाहे आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं समझ सकूं कि मैं कितना बकवास कर रहा हूं या कितनी ज्ञान की बातें बता रहा हूं।